हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक नया लेक्चर, और आज हम पढ़ने जा रहे साइक्लोट्रोन। साइक्लोट्रोन एक डिवाइस होती है जो हमारे बोर्ड में भी पूछी जाती है और कंपटीशन में भी पूछी जाती है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कहानी आपको सुननी है, लिखनी है, समझनी है, और उसी कहानी के अंदर से सवाल आना है, ये गारंटी है। तो आज सारी स्टोरी सुनाएंगे, ये कहानी, हाँ कहानी ही है, थोड़े से कंसेप्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के, मुंह बन गया सबका। ठीक है, हाँ अगर ये बोर्ड में आया ना टॉपिक तो 3-4 नंबर का आएगा और गिफ्टेड आएगा, तोहफा कबूल करो टाइप एकदम, कि लो भाई लिख दो इसके ऊपर कहानी। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें और कहानी का मज़ा लें। ठीक है, और कुछ बच्चे जो नोट्स नहीं लिखना चाहते वो हमारी वेबसाइट, बस सर वेबसाइट का प्रमोशन बस करो, वो हमारी वेबसाइट www.physicswallah.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे इस चैप्टर के असाइनमेंट भी पढ़े हैं, जिन असाइनमेंट्स में आपको बोर्ड लेवल क्वेश्चन, जेई मेंस के लेवल क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन, साथ में उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। इस तरह की बहुत सी चीजें हमारी वेबसाइट www.physicswallah.com पे है। हमारी सिर्फ एक ही वेबसाइट है, इसके सिवा कोई भी वेबसाइट के लिए हम गारंटी नहीं लेते, और हमारा अभी गूगल प्ले पे कोई ऐप नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, साइक्लोट्रोन। साइक्लोट्रोन कितना खूबसूरत नाम है। साइक्लोट्रोन का काम क्या है, काम क्या है? साइक्लोट्रोन एक मशीन है, मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओए होए, सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे काम करती है ये, चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई स्पीड। क्या काम है इसका? चार्ज पार्टिकल को बहुत ही तेज स्पीड पे पहुंचाना। अच्छा, किसी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, टू वेरी हाई एनर्जी, बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं ये। भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। बहुत ही एक्सलरेट करके, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही एनर्जी वाला पार्टिकल ये प्रोड्यूस करते हैं साइक्लोट्रोन। क्या करें सर ऐसे पार्टिकल का, उसे इन बोल्ट से रेस करा दें? काम क्या है, यूजेस क्या है, व्हाई वी नीड सच हाई स्पीड हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल? बच्चों जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं पहली बात, जो कि ऑब्वियस है, और न्यूक्लियस तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस बैठा है, इतनी ढेर सारी अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, सबको तोड़ते हुए अंदर घुसना है। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक चार्ज्ड पार्टिकल, ऐसे जूम से जाके घुस जाए। सो दीज हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स आर यूज्ड टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस, और न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं? बढ़िया। सेकंड इसका काम क्या है? सेकंड काम यह है कि कई बार क्या होता है, हमें एक सॉलिड में आयंस को इंसर्ट करना होता है। आयंस मतलब क्या? चार्ज पार्टिकल। अब सॉलिड में आयन क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? अब सॉलिड की प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, हमारा कोई काम है उसके लिए, वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज फेवरेबल नहीं है हमारे काम की नहीं। हमने कहा अगर उसमें बीच में एक आयन बैठ जाए तो मजबूत हो जाएगा या हल्का हो जाएगा या कंडक्टिंग हो जाएगा, कोई भी प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, तो एक बीच में किसी मेटल का, नॉन मेटल का एक आयन वहां डाल दें। सो टू इंसर्ट एन आयन इन अ सॉलिड, है ना, सॉलिड में आयन ऐसे तो होगा नहीं कि ऐसे हमने डाल दिया और चला गया, बहुत ही हाई स्पीड में आयन को भेजेंगे, सॉलिड लेयर को चीरता हुआ जाके अंदर फंस जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? यूज्ड टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी न्यूक्लियर फिनोमेना है, पहले वाले से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस में चेंज करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए, अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए, किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, उसके उसके कॉन्फिगरेशन में एक आयन डालने के लिए हमें चाहिए होते हैं हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल, वेरी हाई स्पीड।
एंड सच हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल आर अचीव्ड बाय साइक्लोट्रॉन। मेरा आपसे सवाल साइक्लोट्रॉन पे आगे बढ़ने से पहले आप खुद से अपने से ये पूछें कि एक चार्ज पार्टिकल को हम हाई स्पीड पे कैसे ला सकते हैं सर, तेजी से फेंक के। थोड़ा और आप इसका एक सेंसिबल आंसर दें, चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड पे क्या मैग्नेटिक फील्ड से ला सकते हैं? सोचो, क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती। अगर आपको याद हो तो जो मैग्नेटिक फोर्स थी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो मैग्नेटिक फोर्स थी वो चार्ज पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड चेंज नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। ये बात मैंने पढ़ाई है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ा सकती, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकती, यानी मैग्नेटिक फील्ड से तो नहीं होने वाला ये। अब चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ानी है तो अब दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, फोर्स लगेगी, एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले इतना नोट करें। असल में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बताएंगे क्यों। छाप लिया इतना, मस्त, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया। ओके, जिनके सर हो इश्क की छांव, पांव के नीचे जन्नत होगी। कुछ नहीं होगा, हाथ में खराब सा रिजल्ट होगा। छी छी, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हम टू अचीव हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड से तो नहीं होने वाला क्योंकि वो स्पीड तो नहीं बढ़ाएगा, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या किया हमने, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, प्लस माइनस, ये बन गई मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने एक मासूम से चार्ज को छोड़ दिया। हाँ, इस पर फोर्स लगी इस तरफ, कितनी फोर्स लगती है सबको याद है, QE, यही होती है ना फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, QE लगी। अब ये फोर्स लगने से इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स लग रही है QE अपॉन m। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ानी है, तो हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे वजह से उस पर फोर्स लगी, इस एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन लगने से इसकी वेलोसिटी बढ़ी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो समझ में आता है ये सब, पढ़ा है ना कभी? हाँ, ठीक है। v इसकी फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। अच्छा, अगर आपको v की वैल्यू बड़ी चाहिए तो s की वैल्यू भी बड़ी हो। भाई जितनी ज्यादा देर ये फील्ड में रहेगा उतना ज्यादा इसको स्पीड बढ़ेगा। एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, पर जितनी ज्यादा देर तक एक्सेलरेशन होता रहे स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी ना कि फोर्स लगा के छोड़ दिया, फोर्स लगती रहनी चाहिए, स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए। तो हमें s को लार्ज रखना होगा, s को हमें लार्ज रखना होगा। अब s को लार्ज रखना एक प्रॉब्लम है। अरे ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझ लो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी बढ़ाने के लिए टाइम ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा समय तक ये फील्ड के अंदर रहे, तो ज्यादा समय तक फील्ड के अंदर कैसे रहेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तभी तो रहेगा ना फील्ड के अंदर। तो s को लार्ज करने के लिए दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यार इस मशीन का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, बहुत बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी ना, प्लेट्स को दूर दूर रखोगे, एक तो मशीन का साइज बढ़ गया जिसे बोल सकते हो, ये पहली प्रॉब्लम। डिस्टेंस को लार्ज करने में क्या हुआ, साइज ऑफ मशीन इंक्रीजेस, ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी। दूसरा प्रॉब्लम सुनो, जैसे ही आप प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ आपने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ लगा के रखा है, लेट इट बी वी, ठीक है, आपने इधर वी और इधर जीरो मान लो लगा रखा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, पढ़ा है ना ये? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी बाई डी, अरे वी इज इक्वल्स टू ई डी पढ़ा था। तो अगर आप ये डी बढ़ाओगे और पोटेंशियल वही लगाओ, मान लो यहाँ पे आपने 1000 वोल्ट लगाया था, तो अभी भी 1000 वोल्ट ही लगाया, पर आपने डी बढ़ा दिया, डी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई। अरे ये एक्सप्रेशन पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, याद आया, वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी, वही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही गिर जाएगी तो एक्सेलरेशन गिर जाएगा, क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन गिर जाएगा तो वेलोसिटी फिर गिर जाएगी। तो दो प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस लार्ज करने में पहले तो जगह बहुत ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना दूर ले जाएंगे प्लेट्स को, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि डिस्टेंस बढ़ाने पे
इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल कर जाएगी। अरे बड़ा आसान है सोचने में, प्लेट्स दूर दूर कर दोगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नहीं रहेगी, जितना प्लेट्स को पास लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और जितना दूर ले जाओगे फील्ड हल्की हो जाएगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम आ रही, अब क्या करें? क्या मैग्नेटिक फील्ड से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं चार्ज पार्टिकल की? अभी भी आंसर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। क्या करें क्या करें? कुछ ऐसा करें कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करे या ज्यादा समय के लिए रहे, यही तो करना है ना। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ज्यादा देर रहेगा उतनी देर एक्सेलरेट करेगा, जितनी देर एक्सेलरेट करेगा उतनी देर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसी में काम करना है, बढ़ाने तो कोई फायदा नहीं है, डिस्टेंस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अब इसी में कुछ ऐसा किया जाए, सोचो कुछ ऐसा किया जाए कि चार्ज पार्टिकल एक बार यहां जाए, घूम के यहां आए, फिर यहां जाए, फिर यहां आए, फिर यहां जाए, फील्ड में बहुत देर तक रहे और रुके भी ना कहीं। ऐसा नहीं इधर जाके रुका फिर स्पीड गेन किया, ये भी ना हो, स्पीड लगातार बढ़ती रहे, खूब लंबे समय तक ये इस फील्ड के अंदर फंसा रहे, खूब लंबे समय तक। तो अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को भी ले आया, हमने कहा तुम हमारी मदद करो इसको घुमाने में। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता था तो सर्कुलर मोशन करता था, जब परपेंडिकुलर होती है उसकी स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के, पढ़ा है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, सर्कुलर मोशन, देखा होगा यार, बहुत ही कॉमन सा डायग्राम है, जिसने नहीं देखा है क्या बताऊं, तुमने पाप किया, गंगा में नहाओ, ये देखा होगा ये। हाँ, तो कुछ ऐसा किया जाए चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमे और बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट हो। मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्पीड तो नहीं बढ़ा सकती, हाँ, पर इसको ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिक फील्ड में फंसा के रख सकती है। So what we use is a combination of electric field and magnetic field mutually perpendicular to each other. Crossed field कहते हैं। क्या कहते हैं? Crossed field. हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ध्यान से देखें। हम use करेंगे crossed field when electric field and magnetic field will be mutually perpendicular. और कुछ ऐसा arrangement बनाएंगे कि चार्ज की स्पीड भी बढ़े और चार्ज गोल गोल घूमता भी रहे, ताकि फंसा रहे उसी में, टाइम ज्यादा बिताए। समझ में आया? दिमाग की एकदम बत्ती जल गई, समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड से काम नहीं हो सकता था, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो सकता था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत यह कि जितनी देर आगे चलेगा उतनी देर एक्सेलरेट करेगा, उतनी देर स्पीड बढ़ेगी। हमने कहा डिस्टेंस बढ़ाने से भी दिक्कत है, फील्ड ही गिर जा रही है तो फायदा नहीं है। तो हमने कहा ऐसा कुछ करते हैं कि इसी में घूमता रहे और स्पीड भी बढ़ती रहे, और वो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घुमाएगा, और हम क्रॉस्ड फील्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, नोट जो करना हो उसमें से कर लें। जिनके सर हो इश्क की छांव, पांव के नीचे जन्नत होगी। जिनके सर हो इश्क की छांव, बोर्ड में नंबर जीरो होंगे। हाँ भाई, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं। क्या मैं साइक्लोट्रॉन मिटा दूं? अच्छा, अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैसे हम साइक्लोट्रॉन को बनाते हैं। तो ध्यान से देखें, एक बढ़िया अरेंजमेंट है ना, खूब ढेर सारे डेवलपमेंट हुए, सोचा गया, फाइनली ये बना। क्या बना? इंग। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक हॉलो सेमी सर्कुलर कंटेनर लिया। क्या लिया? हॉलो सेमी सर्कुलर कंटेनर। ध्यान से, इस तरह से यहां पे भी दो लिए, एक इधर भी, दो हॉलो सेमी सर्कुलर कंटेनर लिए हमने। हमने क्या लिया? हॉलो सेमी सर्कुलर कंटेनर मेटल के बने हुए, हॉलो मेटेलिक सेमी सर्कुलर कंटेनर, कंटेनर है ये, ठीक है। ऐसे, ठीक है, ठीक है, हमने दो हॉलो सेमी सर्कुलर मेटेलिक कंटेनर लिए। इनको देखो, ध्यान से देखो तो ये डी जैसे लग रहे हैं, डी और डी, तो इनको हम डीज बोलते हैं, डीज, और नाम दे देते हैं, एक को बोलते हैं डी वन, एक को बोलते हैं डी टू। लेट दिस बी डी वन, लेट दिस बी डी टू। कैसे बने हैं? मेटल के बने हैं, हॉलो है, समझ में आ रहा है? ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे गोल है
और हॉलो ऐसे कंटेनर जैसा, ऐसे समझ रहे हो ऐसे, है ना, पिज्जा है हॉलो पिज्जा, पिज्जे का डिब्बा देखा, पिज्जा का डिब्बा जो आता है, पिज्जा का जो डिब्बा होता है उसी को सोच लो, वो सर्कुलर शेप में है तो हॉलो, अब समझ आ रहा है, और उसी पिज्जा को बीच से काट लिया, उसमें सॉस डाल, नहीं ठीक है, उसी को बीच से काट दिया है, ठीक है। यहाँ बीच में हमने रखा कोई सोर्स एस ऑफ चार्ज पार्टिकल, व्हाट इज एस, एस इज अ सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, फिलामेंट एलिमेंट रख दिया, उसको हीट कर दिया, जो वगैरह वगैरह, जैसे भी सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल बनाया। फिर हमने क्या किया, इंडीज को कनेक्ट किया टू अ वेरी हाई वोल्टेज ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, सब समझ में आएगा धीमे धीमे समय के साथ। हमने इन डीज को कनेक्ट किया एक एसी वोल्टेज से, वेरी हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट के आसपास, एंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी समझते हैं ना, एसी आपको पता है ना प्लस माइनस में चेंज होता रहता है, एक बार इसको प्लस इसको माइनस, फिर उसके बाद इसको माइनस इसको प्लस, कच 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 कच, एसी करंट कैसा होता है ऐसे देखा ना, ऐसे जंग 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 जंग, एसी करंट सुना, ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी होता है डायरेक्ट, एसी खच 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 चेंज होता रहता है, तो एक बार प्लस करेगा इस तरफ, एक बार माइनस, फिर इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, स्विच करता रहेगा। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ही हाई होती है, 1,00,000 के आसपास, मतलब एक सेकेंड के अंदर ये 1,00,000 बार प्लस माइनस करेगा, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इतने हाई फ्रीक्वेंसी वाले हम वोल्टेज को ऑसिलेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर, जो ऑसिलेट कराए, क्या कराए, ऑसिलेट, ऑसिलेटर। 1,00,000 होती है, 10,00,000 भी होती है, 10^7, 10^6, आप एनसीईआरटी का डेटा देख लो न्यूमेरिकल का, 10 MHz दे रहे हैं वो, 10 MHz है ना, तो 1,00,000 से लेके 10,00,000 Hz के आसपास बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में 10,00,000 बार प्लस माइनस स्विच हुआ है, इतनी बार स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी हो उसको हम बोलते हैं कि ऑसिलेट कर रहा है, तो हमने बोला दिस इज एन ऑसिलेटर। तो यहां से आपको मिली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये प्लस है इनिशियली और ये माइनस है, दिखाई पड़ रहा है क्या, बाहर बनाते हैं, यहां मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, और आपको पता है 1 सेकंड में 1,00,000 बार ये माइनस होगा, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, 1,00,000 बार प्लस होगा, 1,00,000 बार माइनस होगा, एग्जैक्टली बता रहे। अच्छा, ये तो बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां ऐसे ऐसे ऐसे, अब आई मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया, इस अरेंजमेंट को ध्यान से सोचो, ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे डी रखी है मेरे हाथ में, तो हमने इसके नीचे एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट लगाया, ऊपर एक साउथ पोल का मैग्नेट लगाया, है ना, ऐसे एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया, हॉर्स शू मैग्नेट, नीचे से नॉर्थ ऊपर से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ, तो ऐसे ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, ये रखा है पूरा अरेंजमेंट, और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर आ रही है, नहीं समझे, इसके नीचे की तरफ हमने नॉर्थ पोल लगाया, ऊपर की तरफ, ये तो ऐसे बना दिया मैंने इसको, इससे पहले ट्रे में निकाल के देखो, यहाँ से नॉर्थ पोल, यहाँ से साउथ पोल, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ आ रही है, तो जब इसमें देखोगे तो कैसे दिखेगी, बाहर की तरफ, अरे भैया ये नॉर्थ नीचे है साउथ ऊपर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है, अब इसी को आप जब ऐसे सीधा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ आ रही होगी, आपकी तरफ आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, डॉट से, तो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, डॉट 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 डॉट, है ना, तो ये हो गई आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो दोनों परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई प्लस से माइनस कुछ, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड फील्ड, सो दिस डॉट 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 इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, कैसी है साथ में लिख दें आउटवर्ड, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बी है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ई है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेट इट बी बी। अब इस सोर्स एस से कोई चार्ज पार्टिकल निकल रहा है जिसका मास एम है और चार्ज क्यू है, ठीक है, मास एम चार्ज क्यू, मास एम चार्ज क्यू, जो चार्ज पार्टिकल निकल रहा, इतना हुआ अरेंजमेंट। फिर यहाँ पे हमें एक पास आउट भी बनाना है जहाँ से बाहर आएगा चार्ज लास्ट में, यहाँ बना लेते हैं, चलो यहाँ हमने कोई डिफ्लेक्टर लगा रखा है, सब समझाएंगे अभी, डिफ्लेक्टर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके होगा, और ये एग्जिट है ना, सिनेमा हॉल से मूवी देख के बाहर निकलो, अब समझा जाए क्या होगा कहानी में, समझा जाए इसकी वर्किंग, पहले नोट करना, नोट कर लें इतनी बातें,
फिर इसकी वर्किंग समझते हैं। हॉलो सेमी सर्कुलर मेटेलिक कंटेनर्स कॉल्ड डीज, एक को बोला डी वन, एक को बोला डी टू। अभी मान लिया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सेकंड में 1,00,000 बार ये पॉजिटिव होगा, 1,00,000 बार नेगेटिव, कच 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 चेंज होता रहेगा। शुरू जी की जाए कहानी, चलो शुरू करते हैं। सोर्स एस से कोई चार्ज पार्टिकल निकला, अभी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, मान लेते हैं अपना चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, लेट अस सपोज अपना चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है ना। चलो इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग मान लेते हैं कोई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल एस से इमिट हुआ, ठीक है, एस से इमिट हुआ, कोई क्यू प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल एस से इमिट हुआ, ठीक है, निकला इसमें से। अगर प्लस क्यू है तो वो डेफिनेटली शुरू में डी टू की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहां माइनस है यहां प्लस, इधर फोर्स लगेगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहां से प्लस क्यू इधर अट्रैक्ट हुआ और तेजी से भागा, कहां डी के अंदर। अब जैसे ही वो डी के अंदर जाएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो जाएगी। अगर आपको याद हो मेटेलिक कंटेनर के अंदर, हॉलो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सो क्यू अट्रैक्ट टूवर्ड्स, क्यू एक्सेलरेट्स टूवर्ड्स डी टू, एक्सेलरेट करेगा कि नहीं, फोर्स लगेगी उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी क्यू ई, और एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम, स्पीड बढ़ेगी उसकी टूवर्ड्स डी टू एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस। अब एज सून एज q enters d2, electric field becomes zero. भाई hollow metallic container के अंदर electric field zero होती है, electric field zero होते ही its speed cannot increase. भाई speed कौन बढ़ा रहा है, electric field वही तो force लगा रहा, वही तो acceleration दे रहा, तो अंदर आते ही speed बढ़ना बंद हो गई, बस थोड़ी दूर speed बढ़ी ऐसे खचक फिर बंद हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड तो एक्ट करेगी ही, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्ट करेगी, बट मैग्नेटिक फील्ड विल फोर्स क्यू टू मूव इन सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आता है तो सर्कुलर मोशन करता है, अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है जो कि है खचक खचक, तो क्या किया मैग्नेटिक फील्ड ने, इसको सर्कल में घुमा दिया, इसको सर्कल में घुमा दिया, ए ऐसे सर्कल में घुमाया, घुमाया तो ये सर्कल से, तो ये डी से बाहर आने लगा, भाई सर्कल ऐसे घुमा ऐसे बाहर आने लगा। बस अब देखो क्या होगा, एज क्यू कम्स आउट फ्रॉम डी टू, जैसे ही ये बाहर आया अब क्या होगा, हमें ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, हमें ऐसी ये हमारे हाथ में है, ऐसा ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी सेट करना है कि ये भाई साहब जैसे ही बाहर आए ये प्लस का माइनस हो जाए, ये माइनस का प्लस, पोलैरिटी ऑफ डीज स्विचेस क्या हो गया इस बार, अब डी वन हो जाएगा नेगेटिव और D2 हो जाएगा पॉजिटिव। कहोगे सर एक सेकंड में 1,00,000 बार हो रहा है, तो ये भी एक सेकंड में 1,00,000 बार घूम रहा है, टेंशन मतलब बहुत हाई स्पीड पे चलनी है कहानी, ये गया क्रूर। एक बात याद रखना, इस दौरान इसकी स्पीड नहीं बढ़ी, जितनी बढ़नी थी इस दौरान बढ़ी है, इस दौरान इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, सिर्फ ये गोल गोल घूमा है। बट मैग्नेटिक फोर्स टू मूव क्यू इन सर्कल स्पीड रिमेन्स सेम, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को इफेक्ट करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को नहीं, काइनेटिक एनर्जी को नहीं। अब चेंज हुआ तो क्या हुआ, जैसे चेंज होगा चार्ज पार्टिकल यहां आया, उसको अब ये कैसा दिखने लगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब भाई उसको ये नेगेटिव दिखा तो इधर भागेगा, कैसा चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, अब उसके ऊपर फोर्स इधर लगी, नाउ क्यू एक्सेलरेट, फिर एक्सेलरेट करेगा टूवर्ड्स डी वन, डी वन की तरफ एक्सेलरेट किया, ऐसे एक्सेलरेट किया,
अब जैसे ही इसके अंदर आया D1 के अंदर, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगना खत्म. एज इट एंटर्स D1, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेज इट टू मूव इन सर्कल. तो अब आप बोलोगे कि सर्कल कंप्लीट हो जाएगा सर, ये गोल घूमेगा वापस जाके यहीं पहुंच जाएगा और इसी में गोल गोल घूमता रहेगा. सोचो. अरे सोचो भाई, फिजिक्स पढ़ने आए हो, एकदम ही राजा रानी की कहानी थोड़ी ना सुनना है. राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर. अरे वापस आ जाओ, सोच भी लो. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ आया तो क्या पूरा सर्किल कंप्लीट होकर फिर ऐसे घूमेगा? सोचो आराम से. एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल घूमता है तो उसका रेडियस कितना होता है? सर ये तो याद ही नहीं है. याद करो बच्चों, याद करो. वो रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी. ये होता था रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. और वी परपेंडिकुलर लेते थे, ऐसी स्पीड लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. याद आई? एम वी बाई क्यू बी, ये होता है रेडियस. ध्यान से देखो, जब ये यहाँ गया तो इसकी स्पीड मान लो कुछ वी है. जब ये यहां से इधर आया और अब सर्कल करने जा रहा, तो क्या इसकी स्पीड v है कि v से ज्यादा? ये वाला जो सेमी सर्कल इसने किया मान लो v स्पीड से किया, तो यहां से यहां इसकी स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मित्रों स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव हो गया है पॉजिटिव, फिर से एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ गई है. यानी ये वाला सर्कल ये और ज्यादा स्पीड से कर रहा है, मूव इन सर्कल विथ ग्रेटर v. स्पीड बढ़ गई इसकी. अच्छा, स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा. मास तो पार्टिकल का सेम है, चार्ज तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां वो यहां यूनिफॉर्म है हर जगह. हाँ, पर यहां पे एक्सेलरेट किया, यहां पहुंचा, मान लो 100 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, यहां बाहर आया, यहां कहते स्पीड की 200 मीटर पर सेकंड, तो इस बार इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा. तो यहां आपके इसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा हो गया ए. फिर क्या होगा, ये इसके बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा फिर से क्या होगा, पोलैरिटी फिर से कचक से स्विच हो जाएगी. पोलैरिटी खटाक से स्विच हुई, कहानी वापस पहुंच गई. ये फिर से नेगेटिव, ये पॉजिटिव. ये नेगेटिव होते ही चार्ज पड़े जुर्र, पर इसकी स्पीड अब और बढ़ गई है, इस वाले कंपेरिजन में स्पीड ज्यादा है. यहां स्पीड कॉन्स्टेंट थी, देर 100 पे चला, फिर यहां के 200 हुई, फिर 200 पे चला, फिर स्पीड बढ़ी, यहां 300 हो गई. अब स्पीड बढ़ गई तो रेडियस और बढ़ जाएगा, तो और बड़ा सर्किल किया. इसी तरह से फिर पोलैरिटी स्विच होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर एक्सेलरेट हुआ, स्पीड अब की बार मान लो 400 हो गई, फिर सर्कल में घूमा. जो हमारा पर्पस था ना वो अचीव हो गया, हम फील्ड के अंदर इसको फंसा लिए हैं और लगातार इसकी स्पीड यहां पर बार बार बढ़ा रहे हैं. बोले समझ. अच्छा, हाई वोल्टेज क्यों लगाया है? यार हाई वोल्टेज लगाओगे तो फील्ड भी तो स्ट्रांग बनेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V बाई डी. तो डिस्टेंस तो तुमने छोटा सा रखा है, डिस्टेंस जितना छोटा रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ो बनेगी, उतना बड़ो, बहुत बड़ो बनेगी. और पोटेंशियल भी तुमने बहुत भयानक लगा रखा है, तो यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है. कम देर के लिए तो लग रही है, पर इतनी बढ़िया एक्सेलरेशन दे रही है कि इसकी स्पीड इसी में झक से बढ़ती है. फिर यहाँ पे झक, समझ लो. फिर यहाँ पे आया, जैसे ही बाहर आएगा क्या होगा, इधर वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव. ये ऐसा सेट करेंगे, अभी सीखेंगे कैसे सेट होता है, फॉर्मूला है उसके लिए. फिर आया, फिर इसकी स्पीड बढ़ गई है, रेडियस फिर से बढ़ गया. फिर यहाँ आया, स्पीड बढ़ गई, रेडियस बढ़ गया. फिर यहाँ आया, फिर मान लो इस बार जैसे यहाँ आया, हमने कहा इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको हम यहाँ लेके आते हैं. जितना चाहो उतने चक्कर घुमा सकते हो. वैसे सही माने में तो ये कितने चक्कर घूमता है अंदर? 100,000 चक्कर घूमता है, छोटे छोटे झुम 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 झुम, है ना. और घूमते हुए आया, ए मान लो यहाँ पे आया और डी के एकदम कॉर्नर में पहुँच गया. एक और चक्कर हो सकता है क्या? एक और चक्कर करा लेते हैं. डी के एकदम कॉर्नर में पहुंच गया, और कॉर्नर में पहुंचते ही जब यहां आया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, यहां जो भी हमने एक मैकेनिज्म लगाया कि इसको डिफ्लेक्ट किया, इसको रास्ता बनाया, इसके ऊपर ऐसी फोर्स लगाई कि ये बेचारा अब यहां से बाहर चला गया. और ये फील्ड इसके ऊपर डोमिनेंट थी, अभी शुरुआत में नहीं एक्ट कर रही थी क्योंकि चार्ज बहुत दूर था. जैसे ही चार्ज इसके पास आया, इसने कहा चलो बाहर चलो. ये तभी लगेगी जब एकदम ये सर्कमफेरेंस पे पहुंच जाएगा, है ना. इसको बाहर निकालने का तरीका, तो अंदर घुमा घुमा के इसकी स्पीड बढ़ाई हमने, घुमा घुमा के स्पीड बढ़ाई और फिर बाहर निकाल ली. क्या गोल घूमते वक्त इसकी स्पीड बढ़ रही है? हर बार बीच में बढ़ती है. यहां चला जुर्र, फिर यहां आया, पोलैरिटी स्विच हो गई खटाक से. अब ये नेगेटिव, ये
D1 नेगेटिव, D2 पॉजिटिव, ज़ूम, फिर D1 पॉजिटिव, D2 नेगेटिव, ज़ूम, और इस तरह करते हुए इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई। बोलो मैकेनिज्म समझ में आया? ये भी बताएं कि कैसे ऐसा सेट करें कि इसके निकलते ही ये अपनी पोलैरिटी स्विच करें। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो हम कर लेंगे, हमने मैकेनिज्म सोच लिया, क्या है? बोलो समझ में आया? ये आपको समझना चाहिए कि हर बार इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, स्पाइरल पाथ होगी। कैसी पाथ होगी? स्पाइरल पाथ होगी, जलेबी जैसी, कच कच कच, है ना? पहले छोटा सा जलेबी, इसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, सर दही जलेबी कर ले भाई। हो गया, भगवान ने चाहा तो इस बार बोर्ड रिजल्ट के बाद हम लोग किया जाएगा दिल्ली में मीटअप दही जलेबी का, एकदम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। भगवान ने चाहा तो सब लोग अपने घर से 10-10 रुपए लाएंगे दही जलेबी के लिए। चले आगे बढ़े, हो गया है, खिलाऊंगा मैं अपने हाथ से, हो गया है, पढ़ लो। आ गया समझ में कहानी? मैकेनिज्म समझ में आ गया कि और लिखे आगे, समझ गए ना? फिर यहाँ से फोर्सेस इट टू मूव इन सर्कल, किस में है? D1 के अंदर, D1 के अंदर सर्कल में घूमा, जैसे ही बाहर निकला पोलैरिटी फिर स्विच हुई, फिर ऐसा ऐसा चलता रहा, ठीक है। अब बात आती है जब ये बाहर निकला तो इसके पास कितनी स्पीड है, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसकी बात करें। मिटा रहे हैं सब, ओके। अब बात हो रही है कि जब ये बाहर निकला तो इसके पास कितनी स्पीड है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्या फ़ायदा हुआ घुमाने का, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो अब देखते हैं इसकी फाइनल स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई आपसे बोल दे कि साइक्लोट्रॉन से एक चार्ज पार्टिकल बाहर निकला है तो उसकी क्या स्पीड है, या इस साइक्लोट्रॉन से कोई चार्ज पार्टिकल बाहर निकला है उसकी ये काइनेटिक एनर्जी है तो अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? समझ रहे? ऐसे सवाल आ सकते हैं कि आपको एक वैल्यू देते पूछे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या चार्ज की वैल्यू है, वगैरह वगैरह। मान लेते हैं इस डी का रेडियस कैपिटल आर है, लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ द डी इज कैपिटल आर। लास्ट में चार्ज पार्टिकल जो आखिरी सर्कल घूमेगा, डायग्राम में इतना अच्छा नहीं बना है, पर जो आखिरी सर्कल घूमेगा उसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर होगा। भाई बाहर कब निकलेगा? जब एकदम सर्कमफेरेंस पे पहुंच जाए। बाहर कब निकलेगा? देखो गोल घूमा 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 घूमा, जब एकदम सर्कमफेरेंस पे पहुंच गया, यानी इसका जो आखिरी वाला रेडियस है चार्ज पार्टिकल का, वो डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल जब बाहर निकला, व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जिट आउट, तो हमने देखा इट्स रेडियस, नहीं, द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर path is equals to radius of d, capital R के बराबर हो गया। अगर इसका radius capital R हो गया last वाली ride का, तो R is equals to mv by qb, where v is its final speed, जिस speed से बाहर आया है। बोलो सही है? यहाँ से आप v की value निकाल सकते हो, v is equals to qb r by m। आपको बोल दिया कोई चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से फलाना फलाना स्पीड पे निकल रहा है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज इतना है, उसका मास इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, बताओ d का रेडियस कितना है, कितना बड़ा साइक्लोट्रॉन यूज हो रहा है, या रेडियस दे दिया, बोला बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बड़ी है। फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू वहां से पुट कर देंगे, हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम ने एक एम को मार दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से भी सवाल बन सकता है, सीधा सीधा हो सकता है काइनेटिक एनर्जी ही पूछ ले चार्ज पार्टिकल के बाहर निकलने की, या हो सकता है काइनेटिक एनर्जी देके रेडियस पूछ ले, या हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन रख लेंगे उतना फायदा होगा, रेडियस इतना बड़ा होगा। बोलिए क्लियर है? नोट कर लें काइनेटिक एनर्जी, यहां से सवाल आ सकता है, यहां से न्यूमेरिकल सवाल यहां से बन सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने भी आज तक याद नहीं किया। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स इट। और याद रखना कि लास्ट में उसकी स्पीड कैसे निकलेगी, लास्ट में उसका रेडियस कितना बड़ा है, पूरे पूरे डी के बराबर है। फिर आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, लास्ट में किस रेडियस में घूमने लगा, कैपिटल आर रेडियस में।
यहां से आपको वी की वैल्यू मिल गई, वी की वैल्यू पुट करके काइनेटिक एनर्जी आ गया। नोट कर लें, नोट कर लिया। अब बात आती है उस मैकेनिज्म की कि कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करें। 1 लाख से 10 लाख बहुत बड़ा है तो रेंज है, किस पे सेट करें एग्जैक्ट, क्या वो इसके सर्कुलर मोशन पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जैसे ये हाफ सर्किल कंप्लीट करे इसको स्विच होना है, फिर हाफ सर्किल कंप्लीट करे इसको फिर स्विच होना है, तो ये हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं, ओके। तो देखते हैं ये एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखें एडजस्टमेंट कैसे होगा, है ना। इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम, और एक चीज देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ प्लस क्यू फॉर सर्कुलर मोशन, इसके सर्कुलर मोशन का क्या टाइम पीरियड होगा? तो टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड याद होना चाहिए आपको, 2πm/qb, ये सब याद होना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ है। 2πm/qb डिराइव भी कर सकते हो आप, मैंने ये लेक्चर पूरा करके दिखाया था, 2πm/qb। इतने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट होता है, कंप्लीट सर्कल हम मान के चल रहे हैं कि इतना पास पास है कि उसको एक सर्कल मान रहे हैं। मैं जान रहा हूँ आपकी बात, देखो जो आप सोचते हो वो हम लोग बहुत पहले सोच चुके हैं, ठीक है, और उस दुविधा से ऊपर आए जीवन में। कैसे? हमने कहा कि ये ऐसे गया ऐसे, सॉरी ऐसे गया ऐसे, ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा है तो हम मानेंगे करीब करीब ये एक सर्कल के बराबर है, अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा सा उससे डेफिनेटली बड़ा है फिर भी हम मानेंगे एक सर्कल के बराबर है। तो एक सर्कल घूमने में, एक चक्कर घूमने में टाइम इतना लगा, 2πm/qb। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हो? वेरी इजी, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी qb/2πm। बोलो सही है, फ्रीक्वेंसी विल बी qb/2πm। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर घूम रहा है, एक चक्कर घूमने में इतना टाइम लगा, एक सेकंड में इतने चक्कर ये घूम रहा है। अब सुनो ध्यान से, जितनी देर में ये एक चक्कर घूमा उतनी देर में इसको एक बार प्लस होना है, एक बार माइनस होना है। अग्रीड? जितनी देर में ये एक चक्कर घूमा उतनी देर में इस जगह पे एक बार प्लस आना चाहिए, शुरू में प्लस था और जब यहां से निकला अगली बार माइनस, यानी एक चक्कर में आपको एक प्लस एक माइनस चाहिए। सो इन 1 complete circle of Q, oscillator should give 1 positive and 1 negative cycle। एक बार पॉजिटिव साइकिल चला दे इधर, एक बार नेगेटिव साइकिल होती है ना एसी की, मतलब देखो ध्यान से देखो डायग्राम वाइज देखते हैं, ऐसा कुछ जो आपको एसी करंट चाहिए वो करंट कुछ करंट या वोल्टेज जो चाहो लिख लो, वोल्टेज जो चाहिए वो आपको कुछ ऐसा चाहिए, एक प्लस और एक बार माइनस, इतना आपको चाहिए। अच्छा ध्यान से देखो, ये एसी की एक वेव भी कंप्लीट हो गई, नहीं आया, इसका कहते हैं एसी की एक वेव कंप्लीट हो गई। आपको यही तो चाहिए कि जब तक ये एक चक्कर घूमे तब तक ये एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, जो कहने को बड़ा आसान है। हम कहते हैं जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही एसी की फ्रीक्वेंसी है, सीधा अगर बोले तो, याद करना एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना है, टाइम पीरियड इसका कितना होता है, 2πm/qb, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी qp/2πm और जो इसकी फ्रीक्वेंसी वही इसकी। अब समझा रहे हैं ऐसा क्यों, जितनी देर में एक चक्कर घूमा उतनी देर में ये एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, इसके साथ भी एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी एसी अपनी एक कंप्लीट साइकिल कर ले, एक प्लस की एक माइनस की। एक कंप्लीट साइकिल करने में टाइम टेकन फॉर दिस वन वेव ऑफ एसी विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी। भाई एक वेव करने में जो टाइम लगता है उसी को तो हम टाइम पीरियड कहते हैं, एक वेव कंप्लीट करने में जितना समय लगा उसको टाइम पीरियड, यानी जो इसका टाइम पीरियड है वही इसका टाइम पीरियड है। भाई जितनी देर में ये एक चक्कर घूमा उतनी देर में इसको भी एक चक्कर घूमना है, आप समझ में आया, जितनी देर में ये एक चक्कर घूमा उतनी देर में इसको एक बार प्लस एक बार माइनस होना है, यानी जितनी देर में इसने एक चक्कर घूमा उतनी देर में इसको भी एक चक्कर घूमना है, इसका एक चक्कर एसी का, एक प्लस एक माइनस मिला के बनता है 1 साइकिल, 1+ and 1- गिव्स 1 साइकिल ऑफ एसी।
तो जितनी देर में ये एक चक्कर घुमा उतनी देर में एक चक्कर, यानी जो इसका टाइम पीरियड है वही इसका टाइम पीरियड, यानी कहने का मतलब टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्कल इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ एसी। अब दो चीज का टाइम पीरियड इक्वल है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होगी, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू फॉर सर्कल विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी या इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कल विच इज क्यू बी बाई टू पाई है। सेम आंसर, द फ्रीक्वेंसी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी frequency of AC is equals to QB by 2 pi. My answer is still the same, QB by 2. बोलो फील आया, फिर से समझा देते हैं। जितनी देर में चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर घूमना है उतनी देर में इसको एक बार प्लस एक बार माइनस होना है, यानी जितनी देर में ये एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है उतनी देर में AC भी अपनी एक साइकिल कर रहा है। एक चक्कर घूमने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ AC शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी क्यू बी बाई टू पाई। इस पर भी सवाल आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एफ सी लिख लो, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, या इसको ऑसिलेटरी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब समझ में आ गया मैकेनिज्म, नोट कर लें, यहाँ से सवाल आ सकते हैं न्यूमेरिकल कि फ्रीक्वेंसी निकालो या फ्रीक्वेंसी दे देंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया उसमें 10 मेगा हर्ट्ज बताई है, 10 मेगा हर्ट्ज, मेगा नहीं मेगा हर्ट्ज, ठीक है, यानी 10 × 10⁶ हर्ट्ज, ये हो गया 100,000, और नहीं 10⁶ कितना हो जाएगा अपना, 10⁴ लोगे तो हो जाएगा 10,000, ये हो गया अपना 10⁶ से अपने आप 1,000,000 हो गया, तो साथ में ये 1 करोड़ है ना, मैंने 1 से 1,000,000 लिखा है, तो 1 से 1,000,000 क्या 1 से 1,000,000, बहुत ज़्यादा, क्लियर। मिटा रहे इसको, फिर आता है एक पॉइंट कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ फेल कर जाता है, मिटा रहे ओके, कहाँ कहाँ ये फेल कर जाता है इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, तो आइए देखते हैं इसका लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशंस। तो पहला लिमिटेशन तो ये है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स। अभी किसी किताब में ऐसा लिखा था तो हम भी बता रहे हैं लाइक न्यूट्रॉन, पर ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो साफ साफ गलत बात हो गई, मतलब कहना कि ये लड़का है तो ये लड़की नहीं है, अरे उसने खुद ही कहा है हम बने किसके लिए हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, और आप कह रहे हो कि न्यूट्रल को नहीं, बट लिखा रहता किताबों में लिमिटेशन, तुम खराब हो, न्यूट्रल पार्टिकल करके दिखाओ। दूसरी जो लिमिटेशन है वो थोड़ी सी ऑब्वियस लगेगी, थोड़ी आपको पढ़े लिखे लगेगी, इट कैन नॉट एक्सेलरेट स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल्स, स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। तो इसको यूज किसके लिए करते हैं सर, बेसिकली इसका सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोटॉन के लिए और आयंस के लिए, किसके लिए इस्तेमाल होते हैं सबसे ज्यादा, ये यूज होते हैं प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए और पॉजिटिव आयंस को। नेगेटिव आयन बड़े जल्दी मिलना आसान नहीं है, पॉजिटिव आयन इजली मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल आया पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता वो समझते हैं, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया तो भाई इसके ऊपर फोर्स कितनी लगाएगा, फोर्स लगाएगा क्यू ई, अरे यहाँ पर फोर्स लगेगी कि नहीं क्यू ई, एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा क्यू ई बाई एम। यार इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा होता है प्रोटॉन से कंपेयर करो तो, बहुत ही छोटा होता है, मास इतना छोटा होने के कारण इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होने के कारण इसकी स्पीड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हल्का सा पार्टिकल जर्र जैन घूम गया, स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर आपको याद हो आइंस्टीन ने अपनी एक इक्वेशन दे रखी थी रिलेटिविटी की, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c², इसको वो बोलते थे बॉडी का एक्चुअल मास, है ना, एक्चुअल मास या मूविंग मास, और इसको बोलते थे रेस्ट मास। जब कोई पार्टिकल रेस्ट पे होता है तब उसका मास m नॉट होता है, और इसको आप बोल सकते हो मूविंग मास बोल दो, एक्चुअल मास कह सकते हो, और ये इसको एक्चुअल मास होता है, जो भी पार्टिकल दुनिया में अगर चल फिर रहा है
तो उसका मास बढ़ता है, जब भी हम दौड़ते हैं हमारा मास ज़्यादा होता है, जब हम खड़े रहते हैं मास कम होता है। एकदम सही बात है, एकदम सिंपल वे में समझाया। देखो जब दौड़ोगे तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मास क्या होता है? एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये मेरे हाथ पे आपने इक्वेशन देखी होगी, ये व्हाट इज मास? मास इज नथिंग बट एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो जब आप दौड़ोगे आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जब खड़े खड़े नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर आपका एक्स्ट्रा मास बनाने लगेगी। एनीवेज यहाँ समझो, इस इक्वेशन से समझ में आएगा। तो मास बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? मान लो वी की कुछ वैल्यू है तो वी बाई सी जो भी होगा वन से कम होगा, क्योंकि आपको पता है वी कभी भी, सी तो पता है ना स्पीड ऑफ लाइट, तो किसी भी पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो होगी नहीं। डेफिनेटली वी सी से छोटा होगा, वी सी से छोटा होगा, ये वन से छोटा होगा। वन में से कुछ वन में से छोटा माइनस करोगे, ये डिनोमिनेटर वन से छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर वन से छोटा होगा, ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। अरे भाई ये चीज़ हमेशा इससे कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी तो ये चीज़ वन से, ये चीज़ इससे कम होगी तो ये फ्रैक्शन वन से कम होगा। V की वैल्यू मान लो 2 × 10⁸ कर लो, चलो बहुत बड़ी स्पीड, ये 3 × 10⁸ तो 2/3, अभी भी तो 1 से छोटा है 0.66, 1 माइनस 0.66 0.33, तो नीचे 1 से छोटा रखोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो मास बढ़ने लगता है। और ये चीज़ इलेक्ट्रॉन में क्यों होती है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा, कंसिडरेबल होने लगेगा। ये फ्रैक्शन बड़ा होगा तो माइनस करने की वैल्यू छोटी आएगी, मास ज़्यादा बढ़ेगा। देखो बाकी चीज़ों में ये चीज़ क्यों नहीं बता रहे हम, बाकी समय इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में V इज नियरली जीरो व्हेन कंपेयर टू C। अब आपको अगर रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप स्पीड ऑफ लाइट के दूर दूर तक पास नहीं होते, बहुत दूर होते हो मतलब, है ना? तो आप स्पीड ऑफ लाइट से बहुत दूर रहोगे तो ये फ्रैक्शन जीरो बन जाएगा। अरे V की वैल्यू तुम्हारी 100 m/s, नीचे 3 × 10⁸, ये फ्रैक्शन जीरो बन गया, 1 - 0 = 1। तो जो तुम्हारा रेस्ट मास था वही ओरिजिनल मास दिख रहा है, बट इलेक्ट्रॉन केस में ये स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, 2 × 10⁶, 10⁷ पे जा रही है, ये फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, नीचे 0.9 आएगा, मास बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ने से दिक्कत क्या है? अभी तो ये भी बात है, मास बढ़ गया, सही है सर, समझ गए हम कि स्पीड सर ज़्यादा हो गई, यहाँ स्पीड रखेंगे, मान लेते हैं स्पीड हो गई 10⁷, नीचे 10⁸, अप्रॉक्स ले लेते हैं 1/10, 1 - 1/10 मतलब 0.1, 1 - 0.1 0.9, तो ओवरऑल चलो ये मास इसका बढ़ गया, मान लिया सर हमने। दिक्कत क्या हुई? जो हमारी फ्रिक्वेंसी थी सर्कल घूमने की, फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्कल, जरा उसको याद करो कितनी आई थी, qb/2πm। अब आपने क्या किया है, आपने यार इलेक्ट्रॉन रख दिया, उतनी स्पीड में चल रहा है कि उसका मास चेंज हो रहा है, मास चेंज होगा तो फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्कल चेंज होगा, मतलब ये पहले सेकंड में मान लो 2 चक्कर घूमा, अगले सेकंड में ये 3 चक्कर घूम रहा है, ऑसिलेटर बर्बाद हो जाएगा। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आपने सेट की थी इससे मिलाकर, लगातार ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज करते, अरे उसका मास बढ़ गया चेंज करो। देख रहे थे कितने प्यार से हमने दोनों को अलाइन बोला, जितना एक चक्कर घूमने में इसको भी एक बार घुमाना है तो इसके टाइम पीरियड को इसके टाइम, फिर हमने फिक्स कर दिया ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। हाँ आप सही है भाई, ध्यान से देखो, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किल है वो स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही, ये बात याद रखना। मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, ये सब नोट कर लिया, ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मिटा दो, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड ऑफ क्यू, जो चार्ज हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, डू नॉट चेंज, ऐसे लिखो, इवन वेन वी इंक्रीजेस एंड आर इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये मत सोचो कि पहले वाले केस में जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं, स्पीड बढ़ गई है, जैसे ही रेडियस बढ़ा हुआ जल्दी चला, रेडियस बढ़ा और जल्दी चल रहा है, स्पीड बढ़ जा रही है। ये मत सोचना कि लास्ट वाले सर्किल में उसको ज्यादा टाइम लगा है, जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे उसमें सारे सर्किल के लिए टाइम सेम लगता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है अपना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πm/qb। ये ना स्पीड पे डिपेंड करता है ना रेडियस पे, वो अपने आप सेट है, रेडियस बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ गई है, उतनी जल्दी कवर करेगा, जितना बड़ा रास्ता उतनी ज़्यादा स्पीड। बट यहाँ दिक्कत क्या हुई, यहाँ मास चेंज होने लगा है, मास पे तो डिपेंड करती है ना कहानी। इलेक्ट्रॉन केस में इतना छोटा पार्टिकल है कि वो जैसे ही स्पीड बढ़ाया, इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई कि लाइट की स्पीड से कंपेरेबल होने लगी, व्हेन कंपेयर टू सी इन अदर केसेस। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में कंपेरेबल हो गया है, कंपेरेबल हो गया तो क्या हुआ, मास चेंज हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो कभी 1 सेकंड में 2 सर्किल, अगले सेकंड में 4 सर्किल, अरे भैया इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसके साथ मैचअप ही नहीं कर पाएगा,
वो कहेगा अच्छा तो एक सेकंड में कितनी बार घूमोगे, उसने कहा दो बार, ठीक है हम तैयार हैं एक सेकंड में दो बार, तो इसको हम दो बार प्लस दो बार माइनस कर लेंगे एक सेकंड में, ये बैठा है आराम से, इसने कहा दो प्लस दो माइनस दो प्लस दो माइनस दो प्लस दो माइनस, और वो चार बार घूमने लगे, चार बार घूमने लगे, जब वो बाहर निकल के आए तो देखा यहाँ सामने माइनस बैठा हुआ है, यहाँ सामने प्लस ही बैठा हुआ है, चाह रहे थे यहाँ प्लस बैठे यहाँ माइनस बैठ गया, समझ रहे हो, मतलब आउट ऑफ स्टेप हो गया, हमारे बार चाहते ना बाहर निकले तो साइन चेंज हो, हुआ ही नहीं, हम इतनी जल्दी घूम गए, हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा, हम इतनी जल्दी घूम गए कि वो साइन ही नहीं चेंज किया, वो बैठा वहीं प्लस पे, हम वापस आ गए प्लस पे, अब वो रिपेल कर देगा तो हम वापस भाग जाएंगे, आवाया ये अंदर घुसा, इसने कहा अच्छा चलो बाहर चलते हैं, चलो रहीता सहीता भी ठीक है, वो भी तैयार है, वो हम भी तैयार है, ठीक है अभी अभी तक ठीक है, यहाँ से बाहर निकला इतनी जल्दी बाहर आया कि ये अभी तक वापस माइनस का माइनस पे, अरे इलेक्ट्रॉन रिपेल होके वापस गया, सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स आउट ऑफ स्टेप फ्रॉम साइक्लोट्रोन फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इसका बड़ा लिमिटेशन है कि बहुत स्मॉल चार्ज पार्टिकल को एस्केलेरेट नहीं कर सकता। तीसरा इसका लिमिटेशन ये है कि बहुत हाई स्पीड पे नहीं ले जा सकता, मतलब ले तो जा रहा है स्पीड पे, बहुत बहुत हाई स्पीड पे, मतलब किसी को भी ये लाइट की स्पीड के आसपास नहीं ले जा सकता, वरना यही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक तो प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, और एनी अदर पार्टिकल के लिए भी, फॉर एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को ये लाइट की स्पीड के आसपास नहीं ले जा सकता, थोड़ा भी लाइट की स्पीड के आसपास आप पहुंचना स्टार्ट हुए, मतलब 10^6, 10^7 पे आप गए, तो यहाँ कहानी बदलने लगेगी, यहाँ कहानी बदलने लगी, मास चेंज हुआ, मास चेंज हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है, और ये मैचअप नहीं कर पाएगा इसके साथ, ये तेज तेज भागेगा, ये अपना धीमे धीमे चेंज करेगा। सो इलेक्ट्रॉन के लिए भी नहीं और किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है ना, इट कैन नॉट एस्केलेट पार्टिकल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। अब ये भी लिमिटेशन नहीं है, तो मतलब किसी से ज़्यादा ही उम्मीद करने हो गया, इट कैन नॉट एस्केलेट पार्टिकल अप टू स्पीड ऑफ लाइट। प्रॉब्लम क्या होगी समझ में आ गई, जो यहाँ पे लिखी है। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में इतना ही, इस कहानी को यहीं पर करते हैं समाप्त, इसमें इससे बाहर से कुछ आने वाला है नहीं, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।